हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जहाँ से आप अपनी समर ट्रेनिंग कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो एक और आज एक ऑप्शन है जिसको हम बोल सकते हैं टेरी। टेरी का जो पहला नाम था, मतलब जो पहले जो इसका नाम चलता था, वो टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट था। बट क्योंकि जैसे जैसे इसका ग्रोथ होता चला गया, वैसे वैसे इसमें और चीज़ें जुड़ती चली गई, तो आज इसका नाम एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। तो पहले ये टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट था, आज इसका नाम सिर्फ एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में है। इन्होंने भी अपनी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से आप ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कर सकते हैं, अगर बेसिकली आप बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें कैसे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें, और हमारी रीच भी बढ़ती है ताकि हम और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। तो जैसे ही सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसकी वेबसाइट ये है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं वेबसाइट दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ आ सकें। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो नीचे आपको एक करियर का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे करियर के ऑप्शन पे क्लिक करें, और करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटर्नशिप का ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है ना। जॉब का ऑप्शन है, फिर इंटर्नशिप का ऑप्शन है, और फिर एरियाज ऑफ वर्क का ऑप्शन है। जैसे आप इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इंटर्नशिप्स ओपन द बेसिस ऑफ रिसर्च प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड आर ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। तो टेरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल चैलेंज इट्स इंटर्न्स। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इंटर्न्स को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनाया जाता है ताकि उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल सके, वो खुद से एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और खुद से देख सकें कि किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना सीवी एंड एप्लीकेशन को इंटर्नशिप एट द रेट ऑफ टेरी डॉट रेस डॉट इन पे भेज देना है। एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एप्लीकेशन आपका मस्ट मेंशन द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ इंटर्नशिप, रीजन फॉर अप्लाइंग टू टेरी एंड द एरिया ऑफ वर्क इन विच द इंटर्नशिप इज सॉट। अब देखिए किस किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, अब कौन कौन से एरिया में टेरी में काम होता है पहले तो ये देखते हैं। अब देखिए जो असाइनमेंट्स यहाँ पे आपको दिए जा सकते हैं वो बोथ रिसर्च बेस्ड और नॉन रिसर्च बेस्ड दोनों हो सकते हैं। किस किस एरिया में यहाँ पे काम होता है वो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, एयर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन, बायोटेक, क्लाइमेट चेंज, रूरल लाइवलीहुड, एनर्जी मॉडलिंग एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। तो इतने एरियाज में हैं। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, जो कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप आगे चल करके एनवायरमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन स्टार्ट यहाँ पे आपको मिल सकती है। देख सकते हैं कैंडिडेट्स कैन चूज टू वर्क इन एनी ऑफ दीज एरियाज एंड वी विल ट्राई टू प्लेस देम इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज मच एज पॉसिबल। However, this also depends upon the availability of assignment and the candidate's suitability. Next, we also take interns for our non-research areas such as marketing, IT, library and outreach. तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस सेक्टर में जाना चाहेगा, खासकर बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो रिसर्च में जाना चाहेंगे, और जो नॉन बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं या नॉन बायोलॉजी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं तो इस एरिया में भी जा सकते हैं। टेरी में इंटर्न्स आर असाइंड वर्क रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे होंगे, उनमें से आपको किसी एक प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया जाएगा ताकि आपको वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके। सुपरवाइजर्स गाइडेंस के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। एन इंटर्नशिप इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन एक्सेस ऑल फैसिलिटीज फॉर रिसर्च अवेलेबल एट टेरी इंक्लूडिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, बट आर एडवाइज टू गेट देयर ओन लैपटॉप्स। तो यहाँ पे आपको आपके लिए सारी की सारी जगह आपको दी जाएगी, आपको इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने दिया जाएगा, आपको अपना एक पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल एक कंप्यूटर भी दिया जाएगा, बट आप अपना लैपटॉप लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू देयर सुपरवाइजर एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप एंड मेक प्रेजेंटेशन इफ पॉसिबल। नेक्स्ट, टेरी अवार्ड्स अ सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द टर्म एंड
द सुपरवाइजर फिल्स अप एन इवेल्युएशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पहले क्या होगा, आप इंटर्न्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक रिपोर्ट को सबमिट करें सुपरवाइजर को एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप एंड मेक द प्रेजेंटेशन पॉसिबल। एक प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। टेरी अवार्ड्स द सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द टर्म एंड द सुपरवाइजर फिल्स अप एन इवेल्युएशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इंटर्नशिप, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।